मुस्लिम बहुल किशनगंज के सरकारी स्कूल मदरसे के राह पर चल रहे हैं। इन स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही है और यह परंपरा कई सालों से चलते आ रही है। अब जब इस पर सवाल उठने लगे हैं, तब स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक सफाई देते हुए कहते हैं कि इस संबंध में सरकारी आदेश है या नहीं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मुस्लिम 100% है बच्चे। अच्छा। तो शुरू से यही परंपरा आता रहा है कि फ्राइडे को चूँकि नमाज के वक्त हो जाती है, नमाज पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, तो वो 1:30 में अज़ान हो जाती है और हम लोगों को 1:45 में आना पड़ता है, जिसके वजह कर ये स्कूल को उसी समय से, जब से हम यहाँ 2006 से आए हैं, उससे पहले से ही ये चलता आ रहा है। मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ 100% जो बच्चे हैं वो मुस्लिम हैं। ये पूर्व नियोजित छुट्टी है, पहले से ही होती आ रही है। हम लोग यही जान रहे हैं कि यहाँ फ्राइडे को ही छुट्टी है। सरकारी आदेश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूर्व नियोजित है और इसमें VSS के लोग पहले निर्णय लिया करते थे, चूँकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बस हम यही जानते हैं। किशनगंज के 5 प्रखंडों के कुल 47 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रहती है। जिले के पोठिया प्रखंड में सर्वाधिक 16 विद्यालय शुक्रवार को बंद रहते हैं और रविवार को खुले रहते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी भी कहते हैं कि यह परंपरा काफी समय से चला रहा है, लेकिन यह सरकारी नियम है या नहीं, इस सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। 37 पूरे जिले में स्कूल्स हैं हमारे, जिनकी सूची प्रखंडों के माध्यम से और हमारे स्कूलों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। चूँकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक ही डिस्ट्रिक्ट का दिन, तो पूर्णिया DO से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो तो फिर हम आपको आगे बताने की स्थिति में होंगे। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। एक ओर जहां भाजपा अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री और JDU नेता इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की जानकारी शिक्षा मंत्री को भी नहीं है। ये सीमांचल के 37 स्कूलों में जो इस तरह की बातें पाई गई है, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इस तरह का कोई कानून नहीं है, तो कानून से इतर ऊपर उठ करके कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई को बढ़ावा दे रहे हैं। DO से जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहां क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और हम लोग जब प्रतिवेदन आ जाता है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से, लेकिन जो नियम संगत होगा, जो सही वैधानिक चीज होगी वही होगा। बिहार में मुस्लिम बहुल इलाके के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को दी जाने वाली छुट्टी को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार में अब धर्म देखकर तय होंगे स्कूल के नियम। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 2 तरह के कानून चलते हैं। एक कानून के मुताबिक हर एक संडे को विद्यालय बंद रहता है, तो वहीं सीमांचल के इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहाँ संडे को स्कूल बंद नहीं रहता है, बल्कि उसके बदले शुक्रवार को छुट्टियाँ दी जाती हैं। अब सरकार कहती है कि उन्हें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है और वो लोकल DO से इसकी जानकारी लेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर वाकई में सरकार ने विद्यालयों के लिए या फिर तमाम कार्यालयों के लिए संडे को छुट्टी का प्रावधान किया है, तो ऐसी स्थिति में फिर शुक्रवार को बिहार के एक खास जिले में छुट्टियां आखिर क्यों दी जाती हैं और इसके लिए जवाब दे कौन है। किशनगंज से शबनम और पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।